हाय फ्रेंड्स, मैं गुड्डू और मेरा चैनल टेक गुड्डू सोनी में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड, आज हम लोग बनाने वाले हैं रूम हीटर। तो रूम हीटर बनाने के लिए फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लेना है। और उसके बाद से एक आपको इस तरह का एलिमेंट रॉड चाहिए फ्रेंड्स, और इस तरह फ्रेंड्स आपको चादर चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसका आप देख रहे हैं, ये 5x3 का है फ्रेंड्स। अभी बता देते हैं आपको, तो फ्रेंड्स ये 6x3 का है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 6x3 का है। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग रूम हीटर बना के दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चद्दर को इसके हिसाब से अंदर कट कर लेना, ताकि वह हीट होकर लकड़ी को ना जलाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम काट के और सेट करके फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको फिट कर लिया, और फिट करने के बाद से अभी इसका एलिमेंट का जो वायर देखते हैं, इसको वायर लगा के, और फ्रेंड्स इसको हम लोग चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग, तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारा रूम हीटर बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद आपको हम बताते हैं कि ये कैसा हीट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, और इससे भी बेहतरीन बना के और दूसरा भी कुछ दिखाएंगे आपको रूम हीटर का। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा ये रूम हीटर कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑन कर दिया है।
तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा रूम हीटर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है फ्रेंड्स। देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। और फ्रेंड देख रहे हैं कितना बढ़िया हीट दे रहा है, अब इसको मैं फील कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर मैंने जालियाँ लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेरे पास जालियाँ नहीं था तो इसलिए नहीं लगाया इसको। मैंने अभी आप लोग को दिखाया कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा फिक्स हो गया है, इसको यहाँ पे हम फिट कर सकते हैं खांचा बना के, और ये बिल्कुल प्रॉपर रूप से बढ़िया काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।